हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे आ रखी है मेरी मम्मी मैं धान दबोड़ रही हूँ मारने के उसको। लिए। तो ये मेरे को बोले मैं तेरे को ही झपोड़ दूंगी दानों के बदले। कि बन जाए मेरा झपोड़ दे मेरे को झपोड़ न्याय आपको। अरे हाँ, तो गए थे पहले मुझे बहुत मारती थी जब मैं इनके घर में थी और अभी मेरे घर में आ रखी है। अभी मेरे घर में पहले मैं इनके घर में धान मारती थी और अभी मेरे साथ धान मारने के लिए आ रखी मेरे घर में। अब क्या करूं, जैसे मुझे मारती थी पहले मन तो मेरा भी खराब, मैं भी झपूर हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब स्वस्थ एंड मस्त होंगे। दोस्तों मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए व्लॉग में। और नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 9 बजे से। तो गाइज, आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आजकल काम और खाए और धानों की कटाई मड़ाई तो मैं भी कर रही हूँ। चलो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ हम कैसे काटते कैसे मानते। तो कटाई तो हो गई है और अभी चल रही है मेरी मड़ाई। पहले मैं हो जाती हूँ रेडी। तो गाइज, धानों की कटाई तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये वाला खेत रह गया मेरा, थोड़ा सा छोटा सा है बारीक। आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी मम्मी आ रखी है और मैं मेरी मम्मी को हो गए 2 दिन। तो 2 दिन से आ रखी है, तब से काम करने पर लगी हुई मेरे साथ। तो मेरी मम्मी ने हमारे पूरे धान झाड़ दिए, देखो। हेलो मम्मी जी। तो ये है गाइज, और यहाँ पर है मेरी मम्मी जी, यहाँ देखो कैसे चटेलने पर लगी हुई है। हेलो, इधर देखो। नमस्कार वो। नमस्कार लोग बोलते हैं कि तुम दोनों की शक्ल नहीं मिलती है, ऐसी ना बना चुप। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये मेरी मम्मी लग रही है कि नहीं शक्ल से। तो ये बेटी है और ये माँ है। तो कैसे बहुत काली हो गई काम करके। ये जिस दिन घर से आई उस दिन थोड़ा गोरी थी। और यहाँ मैं क्या करती हूँ गाइस, जब हम धान काटते हैं ना तो मैं तो ये पूरी चुन्नी बांध देती हूँ, कमीज पहन के आती हूँ, है ना। तो मैं तो बिल्कुल जैसी थी वैसी हूँ। लेकिन मेरी मम्मी जिस गांव से तो ठीक ठाक बन के आई और यहाँ आके और काली हो गई कोड़वा रह के। तो खड़ी हो मम्मी थोड़ा फुट से। तो गाइस, ये बिल्कुल काम करने पर लगी, 1 मिनट भी आराम नहीं इनके लिए। ये सुबह 4 बजे आ गई थी और यहाँ देखो इन्होंने कितने सारे धान मान दिए। देखो ये पराल है और इधर मेरे स्वामी जी ने कल फैला दिया था, ये हमने फैला रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते, धानों की कटाई करते हैं और लोग खाल भी लगाते, मतलब हमारे गढ़वाली भाषा में तो उसको खाल ही बोलते हैं। अब आप लोग उसको पता नहीं क्या बोलते हो, ऐसे मतलब सबको एक साथ गोल करके ऐसे बना देना है ना। तो ऐसे भी करते हैं और कोई तो वैसे मान दे, तो मैं तो ऐसे ही मान रही हूँ क्योंकि परसों हमने कटाई की थी। तो दीदी और रखे थे मेरे साथ, सभी दीदियाँ हमारे पड़ोसी दीदी और मेरी जेठानी और हम सभी थे। तो हमने एक दिन में सब काट दिए थे। उसके बाद हमने मतलब कुछ नहीं किया, बस जैसे काट के रखे हुए थे वैसे उठाए और उसके बाद मंडाई शुरू कर दी। तो उधर मेरी बूढ़ी जी घास काट रही है। तो चलो गाइस, अब मैं थोड़ा मंडाई कर लेने, तो मेरी मम्मी घर चली जाएगी। गुस्से में उनको गुस्सा आ जाएगा कि अपने आप तो वीडियो बनाने पर लगी हुई है। और हाँ हाँ ना बना एक धान। तो इस बार के धान गाइस, इस बार के धान बहुत ही खराब हो रखे, अच्छे नहीं है। देखो मतलब अच्छे, मतलब बहुत ज्यादा भूसा है इनमें। अभी तो साफ नहीं किए बट ऐसे मैं देख के बता सकती हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतना टैलेंट है और अब मैं इतने किसान बन गई हूँ। देखो फटाफट से थोड़ा मड़ाई कर देती हूँ क्योंकि हमारे लिए एक खेत रह गया लास्ट एंड फाइनल। उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे, फिर पराल वराल हम कल फैलेंगे। तो अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, जिस दिन से मेरी मम्मी आई है मुझे बैठने नहीं दे रही है बिल्कुल भी नहीं। सुबह हो या रात हो, रात को 8 बजे जा रही है अंदर और मुझे भी नहीं जाने दे रही है। और सुबह 4 बजे से मेरे पीछे लगी हुई है, चल चल अच्छा चल खेत में, चल खेत में, चल खेत में, चल। इन्होंने जब से आई है तब से। तो गाइस, यहाँ पर मेरी बड़ी सास जी, यहाँ देखो कितनी अभी ताकतवर है। और ये बहुत सारा काम करते गाइस, इतना काम तो कोई पहाड़ वैसे पहले पहाड़ नहीं थे बट अब ये भाबर में आके भाबरी बन गए। तो यहाँ देखो गाइस, बूढ़ी ने भी एक कमीज पहन रखा ताकि मैं काली ना हो जाऊँ। अरे खुजली होती है मेरे पे गाइस, इन पे खुजली होती है। चलो उठाओ,
अभी बहुत ही ज्यादा धूप हो गई है और मैंने घर का काम भी कुछ नहीं किया है। झाड़ू पोछा नाश्ते के बर्तन सर्तन सब ऐसे पड़े है। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी अब थोड़ा सा रह गया, मतलब आधा खेत रह गया, तो मैंने कहा उसको शाम को करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अमरूद खाने पे लगी हुई है मेरी मम्मी, तो उसको हम करेंगे अब शाम को, तो शाम को कंप्लीट हो जाएगा। और अभी हम जा रहे हैं घर, थोड़ा खाना पीना बनाएंगे, बर्तन वगैरह धोएंगे, झाड़ू पोछा करेंगे। तो अब ज़्यादा धूप भी हो गई है, तो धूप में अंदर का काम और ठंड में बाहर का काम। तो चलो फिर चलते हैं अंदर खाने। क्या खाने से तो अभी मैं धानों की मंडाई करके आ चुकी हूँ और सारी मंडाई मैंने कर ली है धानों की। और क्या बोलते हैं, अभी मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है, तो मैं अभी ब्लॉग बनाऊँगी बाद में। अभी हमको जाना है बर्थडे में, क्योंकि आज मेरे भतीजे का बर्थडे है 18 अक्टूबर को। तो चलो फिर मैं रेडी होकर सीधे आपको बर्थडे में मिलती हूँ, तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। ये है बर्थडे बॉय की मम्मी और ये पूरा डेकोरेशन इन्होंने कर रखा अपने हाथों से, कुंगले कुंगले हाथों से। बोलो रे। बोलना था कि मेरा बर्थडे नहीं, अभी नहीं। अरे तुमने अच्छे से नहीं बोला, बोल रहे अच्छे से नहीं बोला, तो क्रेडिट में बोल रहे हो, उसे बोलो अरे तुम्हारे स्कूल में बोल दे। दीपम का आ गया, दीपम आ गया, हमारे बोल रहे हैं ना साथ में। बोल बोल दिवाली के दिन आए के दिन आए दिन आए जी बोल बोल बोले बार बार ये बोले फूक देने से पहले अरे ये हमारे अध्यक्ष साहब जो कि केक वगैरह बांटते हैं हमारे सबके बर्थडे में। तो हेलो हेलो मैम, हाउ आर यू। तो गाइस इन्होंने किसी में कम और किसी में ज्यादा रखा है। और यहाँ पे पकौड़ी, तो पकौड़ी बहुत ही अच्छी दिख रही है मुझे। मैंने कहीं पे तो इन्होंने कुछ धांधली नहीं की है, ये यूट्यूब क्या बोलते चैनल गवाह। अभी हम लोग बर्थडे से भी आ चुके हैं और अब मैं खाना बना रही हूँ। खाने में मेरी सब्जी बन चुकी है और अब मैं रोटी बना रही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा थक लग गई है, तो इसलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ गाइस। तो आपको मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ और कल परसों से ब्लॉग कंटिन्यू आएंगे, तो इसके लिए चलो ठीक है गाइस, फिर टाटा बाय बाय, टेक केयर।